Hello students, I welcome all of you in KENE'S Educare. Today we are learning multiplication and division of your chapter 5th mathematics. Okay, तो students आज हमारा lecture number 1st होगा, तो आज हम multiplication के बारे में जानकारी लेंगे. तो students already आपने multiplication previous standard में learn किया ही है. Okay, already आपको 2 digit का multiplication आता है, मतलब for example 24 multiply by 4 मुझे यहाँ पर calculate करना, तो आप क्या करेंगे? Correct, 24 multiply by 4, 4 4s are 16 होता है, तो 6 आ जाएगा, 1 carry, 4 2s are 8 and 1 यहाँ पर क्या बनता है? 9, तो यहाँ पर answer आ गया 96, okay? So 24 multiply by 4 किया, तो उसका answer आता है 96. वैसे ही अगर मैंने यहाँ पर 2 digit number लिया, तो 2 digit number के लिए यहाँ पर क्या procedure है? For example, 36 multiply by 24 मुझे करना है, okay? So 36 यहाँ पर लिखेंगे, multiply का symbol 26 लिखेंगे, then हमें क्या करना है? अभी 6 जा 36 होता है, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, 3 आ जाएगा carry forward, तो 6 3 जा 18 होता है, तो 18 plus 3 क्या हो जाएगा? 21, so 21 यहाँ पर बना. So अभी क्या करना है? Next step के लिए हम यहाँ पर 0 लगाते हैं, तो आप यहाँ पर empty space भी यहाँ पर रख सकते हैं, okay? But हमें जो अपन अभी जो हम यहाँ पर multiply करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, okay? यहाँ से start करेंगे, तो आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पर 0 लिखिए, okay? Empty space रखने के जगह पर, तो 6 2 जा 12 होता है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, again 1 carry forward हो जाएगा, तो 2 3 जा, तो 3 2 जा 6 होता है, 6 plus 1 7, तो यहाँ पर 7 आ गया, तो इनकी addition हमें करनी है, तो 6 plus 0 6 आ जाएगा, 2 plus 1 3 हो जाएगा, 7 plus 2 यहाँ पर 9 होता है, तो what is the answer? 36 multiplied by 26 we get 936. तो students आज हमें learn करना है 3 digit का multiplication, okay? अब तक हमने 2 digit and 1 digit already learn किया है, अभी हमें 3 digit का multiplication भी learn करना है, कैसे solve किया जाता है, okay? अभी एक number है यहाँ पर 212 multiply by यहाँ पर 121, okay? इसका मुझे यहाँ पर product निकालना है, multiply करना है, okay? अभी students सबसे पहले जान लेते हैं multiplication होता क्या है? अभी for example 20 multiply by 4 है, मतलब 20 multiply by 4 मतलब 20 plus 20 plus 20 plus 20 अगर हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 2 plus 2 4 4 6 and 8, मतलब इसका आंसर 8 ही आ जाएगा, but यहाँ पर 20 देखिए 20 plus 20 plus 20 plus 20 हम यहाँ पर 4 times इसके यहाँ पर addition के, but उसके जगह पर हम यहाँ पर इसका product निकाल सकते हैं, मतलब 20 multiply by कितने times है? 4 times, तो आपको आसानी से इसका answer, ये procedure हम यहाँ पर कम करने के लिए यहाँ पर product use करते हैं, okay? तो आई बात समझ में, तो product क्या होता है? So now 212 multiply by 121 इसका answer देखिए क्या हो जाएगा? So therefore 212 ऐसे लिखेंगे multiply by 121. अभी हमें क्या करना है देखिए, इस नंबर से अभी पहले multiply करना है सभी थ्री रो, ये जो तीनों नंबर है यहाँ पर ऊपर वाले इसे, ओके? तो 21 जा 2 बन जाएगा, 11 जा 1 हो जाएगा, 21 जा 2 हो जाएगा, अभी एक जीरो यहाँ पर लगाएंगे, after that, अभी सेकेंड नंबर से मतलब कौन सा 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, अभी थर्ड के लिए मतलब 3 1 से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर 2 0 यहाँ पर लगाएंगे, ओके? जब आप यहाँ पर थर्ड नंबर के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको यहाँ पर कितने जीरो लिखने हैं? 2 0 आपको यहाँ पर लिखने हैं. अभी सिमिलरली अगर यहाँ पर और एक नंबर आए, फॉर एग्जाम्पल 7 आए, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए? यहाँ पर 1 2 3 0 आप यहाँ पर लगाएंगे, ओके? बिकॉज देखिए स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर 2 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या यहाँ पर 10 है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे 0 लगाते हैं, इसकी यहाँ पर 100 है, मतलब यहाँ पर 2 0 लगाएंगे, यहाँ पर 7 है मतलब 700. आई बात समझ में? सो नाउ 1 से मल्टीप्लाई करते, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा, तो हमें क्या करना है? इन सभी की एडिशन करनी है. सो देयरफॉर 2 0 0 यहाँ पर 2 बन जाएगा, 1 प्लस 4 यहाँ पर 5 बन जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 यहाँ पर 6 होता है, 4 प्लस 1 यहाँ पर 5 एंड 2, मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 25,000 इज इक्वल टू आपको लिखना है 25,652, ओके? तो ये बन गया आपका आंसर, ओके? तो आइए और एक एग्जांपल देखते हैं. तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर वर्ड एग्जांपल है, देयर आर 754 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, इफ वन चाइल्ड यूनिफॉर्म कॉस्ट इज 368 रुपीज,
What will be the cost of the uniforms for all the children in the school? अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं तो टोटल स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 754 एंड वन यूनिफॉर्म कॉस्ट देखिए यहाँ पर वन चाइल्ड्स यूनिफॉर्म मतलब वन यूनिफॉर्म कॉस्ट वन यूनिफॉर्म कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 368 रुपीज़ ओके अभी हमें क्या करना है टोटल कॉस्ट यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे या तो आप ऐसे कर सकते हैं तो जो 368 है इसे आप यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं 754 टाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ओके ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है बट हम यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे मतलब 754 मल्टीप्लाई बाय 368 करते हैं तो हमें आसानी से आंसर यहाँ पर मिल जाएगा मतलब देखिए 754 मल्टीप्लाई बाय 368 यहाँ पर हमें करना है ओके अभी स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 8 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 32 हो जाएगा मतलब 2 यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ओके अभी यही देखिए 8 फाइव जा क्या होता है 8 फाइव जा होता है 40 40 प्लस 3 होता है 43 सो 3 आ जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड अभी 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इसका आंसर होता है 56 8 7 जा 56 56 प्लस 4 होता है 60 तो यहाँ पर 60 बन जाएगा सो नाउ 10 यहाँ पर लगाएंगे तो 6 4 जा अभी हमें करना है तो 6 4 जा होता है 24 सो यहाँ पर 4 आ जाता है सो नाउ अभी 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अभी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 6 5 जा करेक्ट 6 5 जा होता है 30 30 प्लस 2 यहाँ पर 32 तो 2 आ जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड अभी 6 7 जा होता है 42 42 प्लस 3 45 तो 45 यहाँ पर बना नाउ 00 ये जो थर्ड डिजिट है इसलिए 00 यहाँ पर लगाएंगे सो अभी क्या करना है 4 3 जा 12 होता है 3 4 जा 12 सो 2 आ गया 1 होगा कैरी फॉरवर्ड अगेन 5 3 जा 15 प्लस 1 16 तो 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड 7 3 जा 21 21 प्लस 1 यहाँ पर 22 तो एडिशन का सिंबल तो एडिशन करनी है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा 6 6 12 12 प्लस 5 होता है 17 तो 1 कैरी फॉरवर्ड 1 प्लस 4 5 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7 एंड 2 यहाँ पर बना सो व्हाट इज द आंसर वी गेट 277,472 रुपीज सो व्हाट इज द आंसर 277,472 रुपीज यहाँ पर टोटल कॉस्ट लगी ओके सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं थ्री नंबर्स का मतलब यहाँ पर तीन डिजिट है यहाँ पर ये तीन डिजिट है ओके तो आपको स्टूडेंट्स हर बार यहाँ पर थ्री डिजिट ही आए ऐसे नहीं है दोनों भी नंबर कई बार आपको थ्री डिजिट पहला नंबर थ्री डिजिट एंड सेकेंड नंबर आपको टू डिजिट वाला भी आ सकता है तो आइए अभी इसे आप हम कैलकुलेट करते हैं ओके तो 754 मल्टीप्लाई बाय 68 क्या हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर 760 ये आंसर हो चुका है हमारा ओके तो अभी ये न्यू वाला क्वेश्चन है तो अभी मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है 754 मल्टीप्लाई बाय 68 तो 754 मल्टीप्लाई बाय 68 तो देखिए क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 तो 2 आ जाएगा 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 5 जा 14 3 यहाँ पर 43 हो जाएगा 8 7 जा 56 प्लस 4 60 ओके अगेन 0 6 4 जा 24 तो 4 आ गया 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सो 2 आ गया यहाँ पर 6 5 जा 13 टू 32 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 6 7 जा 42 एंड 42 प्लस 3 यहाँ पर 45 मतलब 45 हो जाएगा प्लस करना है तो 2 यहाँ पर आ गया 4 प्लस 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा देन 2 आ गया 6 प्लस 5 यहाँ पर 11 1 कैरी हो जाएगा फॉरवर्ड 4 प्लस 1 5 मतलब व्हाट इज वी गेट आंसर 51,272 ओके मतलब स्टूडेंट्स अभी हमें क्या पता चला अगर आप यहाँ पर ऐसे ऐसा ही नहीं कि थ्री डिजिट ही आए थ्री डिजिट मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट आ सकता है या तो थ्री डिजिट मल्टीप्लाई बाय वन डिजिट भी हो सकता है ओके ऐसे सभी न्यूमेरिकल का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस होना चाहिए सो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट वन यहाँ पर नेक्स्ट है अभी देखिए फोर डिजिट मल्टीप्लाई बाय थ्री डिजिट है ओके अब तक हमने क्या देखा थ्री डिजिट मल्टीप्लाई बाय थ्री डिजिट अभी फोर डिजिट मल्टीप्लाई बाय थ्री डिजिट ये यहाँ पर इतना डिफिकल्ट नहीं ये भी बहुत ही आसान है ओके जस्ट आपको वही मेथड फॉलो करनी है तो 3 4 2 9 देखिए स्टूडेंट्स आपको अप टू 20 तक टेबल
आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, टेबल की बहुत ज़रूरत होती है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, 7 से पूरे जो 4 डिजिट है इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 9 होता है 63, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 7 2 14, 14 + 6 होता है 20, सो 0 आ गया यहाँ पर, 2 हो गया कैरी फॉरवर्ड। 7 4 28 + 2 30, तो 0 आ गया, 3 हो गया कैरी फॉरवर्ड। 7 3 21, 21 + 3 होता है 24, तो यहाँ पर आ गया 24। नाउ 10, तो 0 अभी देखिए स्टूडेंट, 0 से मल्टीप्लाई करना मतलब सभी आंसर 0 ही हो गए। तो 0 9 0, 0 2 0, 0 4 0, 0 3 0, ओके, सो यहाँ पर 0 0 हो गया। नाउ 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 0 यहाँ पर लगाएंगे, तो 9 5 करेक्ट 45, सो 5 आ गया, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 5 2 5 2 होता है 10, 10 + 4 होता है 14, तो 4 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 5 4 20, 20 + 1 होता है 21, तो 1 आ गया, 2 कैरी फॉरवर्ड। 5 3 15, 15 + 2 यहाँ पर 17, तो यहाँ पर 17 बन गया। सो देयर फोर वॉट इज द आंसर, यहाँ पर 3 + 0 + 0 क्या हो जाएगा, 3 0 5 8, 2 + 1 3 7 and 1, ओके, सो व्हाट वी गेट द आंसर, 17,38,503 यहाँ पर हमें आंसर मिला। ओके, तो आई बात समझ में, देखिए यहाँ पर 4 डिजिट है मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट है, तो ये भी आपको कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए। ओके, आई बात समझ में, तो स्टूडेंट्स आइए अभी नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर देखिए, वर्ड न्यूमेरिकल है, तो राइट अ मल्टीप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग द टू नंबर्स 25,634 मल्टीप्लाई बाय 78। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने 4 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट देखा, अभी 5 यहाँ पर कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट हमें करना है, तो ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये भी आसान है। सो 25,634 मल्टीप्लाई बाय 78, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आंसर। तो हमें क्या करना है, पहले 8 से सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 8 4 होता है 32, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अभी 8 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 24, 24 + 3 होता है 27, तो 7 आ गया, 2 हो गया कैरी फॉरवर्ड। 8 6 8 6 होता है 48, 48 + 2 50, तो 0 आ गया, 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देन 8 5 हो गया 40, 40 + 5 45, सो 5 आ गया, 4 कैरी फॉरवर्ड। 8 2 16, 16 + 4 होता है 20, सो 20 यहाँ पर बन गया। ओके, सो नाउ अभी हमें क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो 7 4 28, तो 8 आ गया, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 7 3 होता है 21, 21 + 2 हो गया, यस यहाँ पर हो गया 23, तो 3 आ गया, 2 कैरी फॉरवर्ड। 7 6 7 6 होता है 42, 42 + 2 यहाँ पर बनता है 44, सो 4 आ गया, 4 कैरी फॉरवर्ड। 7 5 35, 35 + 4 यहाँ पर 9 होता है, एंड 3 कैरी फॉरवर्ड होता है। 7 2 होता है 14, 14 + 3 हो जाएगा 17, तो 17 यहाँ पर बन जाएगा। ओके, प्लस का साइन, सभी की एडिशन करते हैं, तो 2 + 0 2 हो जाएगा, 7 + 8 क्या हो जाएगा 15, तो 5 आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड। 3 + 1 4, 5 + 4 9, 0 + 9 9, 7 + 2 यहाँ पर 9 हो जाएगा, एंड 1, सो व्हाट वी गेट द आंसर, 19,99,452। ओके, सो व्हाट वी गेट फाइनल आंसर, 19,99,452। ओके, सो आई थिंक ये आपको मल्टीप्लीकेशन समझ में आ चुका होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करें, तो आज के लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट हमने लर्न किया। ओके, थैंक यू।